निकलकर सामने आता है। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार, एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपया महीने का बरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सपा चट सपा चट सपा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 24/7 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं 47 तक हम अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे करो भाई, आजो भाई। तो किस तरह सियासी पारा चढ़ा इन बयानों से उसकी आपने झलक देख ली। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उससे पहले जो अनुमान एग्जिट पोल लगाएगा वो तस्वीर आपके सामने होगी। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। थोड़ी देर में देश में अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है उसका अनुमान नतीजों से पहले जानिए देश का मूड। तो देश के मूड को भांपने की कोशिश न्यूज 18 पर मेगा एग्जिट सर्वे हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा ये सर्वे मेगा एग्जिट पोल, और जब आप इसके सैंपल साइज देखेंगे अलग अलग भाषाओं में कितने लोगों से चर्चा की गई तब आपको भी यकीन हो जाएगा। और कुछ देर में इसकी शुरुआत हम करेंगे। एग्जिट का मतलब ही होता है बाहर आना, और इसीलिए ये एग्जिट पोल जो बताएगा कि जनादेश को लेकर क्या निकलकर सामने आएगा। 4 तारीख को तस्वीर साफ होगी, औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले मूड भांपने की एक कोशिश, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में क्या होता है थोड़ी देर में आपके सामने होगा। और जैसे कि बहुत अच्छी बात जो अपर्णा ने याद दिलाई, इसी एग्जिट शब्द से, एग्जिट यानी बाहर आना, इसी शब्द से ये पूरी अवधारणा एग्जिट पोल की बनी हुई है। तो जो बूथ से एग्जिट हुआ बाहर आया वोट देकर उससे जानने की कोशिश, और क्या कुछ उस कोशिश में निकला है वो आपके सामने कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में हमने देश के 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीट पर किया है सर्वे। और न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल की टीम ने देश के 95,000 वोटर्स से बातचीत की। 21 राज्य 518 सीट पर पहुंची टीम और जाना कि उनके मन में क्या रहा, वोट डालने के बाद क्या कहा उन्होंने। 95,000 मतदाताओं से बातचीत की गई इस सर्वे के लिए, इस एग्जिट पोल के लिए।
एग्जिट पोल के सबसे विश्वसनीय डेटा के लिए हमारी टीम ने वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। जी हाँ, हवा हवाई बात नहीं, वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। 95,000 वोटर से बातचीत की, साइंटिफिक एनालिसिस यहाँ पर किया गया है और डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। हर आंकड़े की पुख्ता जांच पड़ताल की गई और उसके बाद हम आपके सामने एग्जिट पोल के जो आंकड़े लेकर आए हैं थोड़ी देर में वो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। हमारी टीम के पास लगातार आंकड़े आ रहे हैं और गहराई से जारी है विश्लेषण। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी स्क्रीन, इसके लिए लंबी तैयारी की गई है, दिन रात की मेहनत की गई है उन लोगों के द्वारा जो कैमरे के आगे नहीं पीछे से काम करते हैं। कैसी स्क्रीन तैयार की गई है, कैसे दिखेगी वो स्क्रीन, सबसे पहले आपको वो बताते हैं ताकि आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। और आज की ये जो तैयारी होगी, आज जो हम आपको बताएंगे, आज जो डाटा आप देखेंगे, आज जो डाटा सेंटर की हमारी तैयारी है, 4 तारीख को आपको एकदम नतीजे जब आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। टीवी स्क्रीन पर आपको सबसे ऊपर लोकसभा के 543 सीटों के आंकड़े नजर आएंगे और जैसे जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आएंगे ऊपर के आंकड़ों में बदलाव आता जाएगा। जबकि जो लेफ्ट और राइट साइड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के बड़े राज्यों के आंकड़े आपको नजर आएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े कभी भी आ सकते हैं, लिहाजा आप रिमोट को हाथ में हाथ मत लगाइएगा क्योंकि सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाएंगे, उससे पहले बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की तस्वीर क्या थी और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे क्रोमा स्टूडियो जहां से हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपर्णा और ललित आपका। तो ये तस्वीर जो है वो हम दिखाने वाले हैं कि तस्वीर क्या कुछ रही, 2014 में क्या कुछ तस्वीर थी, 2019 में क्या कुछ तस्वीर थी वो हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी को, एनडीए को कितने वोट मिले थे, 2014 में क्या स्थिति थी और उसके बाद 2019 में क्या स्थिति बन गई, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कुछ ही देर बाद फिर जब 6 बजे के आसपास का वक्त होगा तब एग्जिट पोल जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। हालांकि नतीजे जो हैं फिर से हम बता दें कि 4 तारीख को ही आएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है और इस पर जो सैंपल साइज है 95,000 का सैंपल साइज है और इस पर हमने लोगों से राय जानी है। 21 राज्यों में हमने सर्वे किया है और इस सर्वे के आधार पर हम सारी चीजें बताने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यह बताना कि क्या तस्वीर जो है पिछले चुनाव में नजर आई थी, यानी कि 5 साल पहले क्या तस्वीर थी और इसके अलावा 10 साल पहले यानी कि 2014 में क्या तस्वीर थी जब नई सरकार बनी थी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे पहले यह सुनते हैं उसके बाद फिर आपको बताएंगे डेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबके सबको एक ही एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते
चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, एक चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता। तो बड़ी खबर आप जान ही गए, कांग्रेस ने फैसला पलट लिया है एग्जिट पोल को लेकर। लेकिन इस वक्त हम मैजिक वॉल पर खड़े हैं और मैजिक वॉल क्या बता रही है? मैजिक वॉल बीते 10 सालों का आंकड़ा बता रही है। 2014 और 2019 में क्या परिस्थिति थी, देश ने क्या जनादेश दिया था, वो जानना बहुत जरूरी है। और मैजिक वॉल पर खड़े हैं और यह है हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने। देखिए धीरे 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 ऊपर आता हुआ यह नक्शा, 2014 की यह तस्वीर आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद यह आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए कि देश ने क्या जनादेश दिया था 2014 में। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा कुछ इस कदर निकलकर सामने आया था जिसमें बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में मात्र 44 सीटें आई थी। एडीएमके 37 सीटों पर थी, टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी, बीजेडी 20 सीटों पर रही थी। यह पिछला 10 साल पहले का आंकड़ा आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि 2019 और उसके बाद 2024 की तस्वीर भी तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाने वाली है, तो यह आपको अंतर जो है वो नजर आने वाला है। इससे आप समझ पाएंगे कि देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, क्या कुछ तस्वीर है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि अलायंस में क्या तस्वीर थी। तो अलायंस जो था 2014 में एनडीए 369 41.11% वोट पड़ा था, यह बहुत जरूरी है जानना। यूपीए मात्र 66 सीटें रह गई थी और 26.60% यूपीए को वोट मिला था। यह तस्वीर जो है 2014 के लोकसभा की तस्वीर है और अन्य के खाते में 108 सीटें गई थी और 32.29% वोट पड़ा था। अब बात करते हैं दूसरे साल की यानी कि 2019 की तस्वीर की। तो 2019 की तस्वीर देखिए कितनी बदल गई, कितनी बदल गई 2019 की तस्वीर और आंकड़े भी बदल गए। देख सकते हैं आप एनडीए की सीटें जो है 350 46.86% वोट मिला था। यूपीए की बात करें 129 सीटें 34.47% वोट मिला था, यानी कि पिछले बार से 2014 के मुकाबले 2019 में यह बढ़ गया था। लेकिन पार्टी वाइज क्या तस्वीर थी, पार्टियों ने कितना कैसा प्रदर्शन किया था, कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था, बीजेपी का प्रदर्शन क्या था, दिखाते हैं आपको कि बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें क्या तस्वीर थी। तो देखिए नक्शा वही है लेकिन पार्टियां आ गई और पार्टियों में देखिए बीजेपी 303 सीटें, पिछली बार का यह आंकड़ा है। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, 37.41% वोट, यह बहुत जरूरी है जानना। इसको देख लीजिए 2019 की तस्वीर और इसको याद कर लीजिए यह पिछला वोट प्रतिशत था। तो बिल्कुल जिस तरह से पुनीत डिस्क्राइब कर रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा और उसकी एक वजह भी है, इतिहास आपको जान लेना जरूरी है, उसी के हिसाब से जब भविष्य आपने जो तय किया है वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यही वजह है कि पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ पुनीत आपको समझा रहे थे कि 2019-2014 आपने किसे जनादेश दिया था।
बिल्कुल, और 24 को लेकर जो अनुमान सामने आएगा एग्जिट पोल में ललित, वो थोड़ी देर में सामने होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी और रोल बैक कर लिया गया है यहाँ पर। वो रोल बैक किया जाना, मुझे मतलब आपको अगर याद हो कुछ समय पहले इन्होंने तय किया था कि हम नहीं जाएंगे, हम कहीं डिबेट में नहीं जाएंगे, हम शामिल नहीं होंगे। तब लोगों ने खाली कुर्सियों से फजीहत करवा दी। जाइए, जवाब रखिए, यही तो डेमोक्रेसी है। खैर, ये कांग्रेस का फैसला हुआ और अब उनसे भी हमारी बातचीत होगी, वो भी जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आंखों की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जिस तरीके से कांग्रेस ने फैसला बदला है, लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर सामने कैसे आएगी? परसेंटेज 2014-19 में क्या रहा था, अब उन पर नजर डालने का वक्त है। तो जरा हिस्ट्री की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में मतदान कितना हुआ वो जान लीजिए। 2024 में आंकड़ा गया 66.87% और 2019 में आंकड़ा 71.2% था। गर्मी का फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, ये दो बड़ी चीजें इन सबके बीच रही हैं। शादियां भी पहले दो फेज में शादियों के साए बहुत थे, जो मैंने देखा कि वहां पर इसलिए कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए पोलिंग के लिए। तो ये दरअसल वोटिंग परसेंटेज की बात हमने इस वजह से भी कर ली कि इससे ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपने जो अपना जनादेश लॉक कर दिया है, आपने जो चीजें बता दी हैं, अब जब हम लोगों का मूड भांप रहे हैं तो उसके बाद क्या स्थितियां निकल कर आ रही है, ये आपके सामने अब वोटिंग परसेंटेज की स्थितियां। 2024 में हुआ ऐसे ललित ने बताया 66.87% ये वोटर्स टर्नआउट रहा। 19 में 71.2% वोटर्स निकले थे, 19 के मुकाबले 24 में कम मतदान हुआ, तो उससे बीजेपी भी परेशान दिखी और कांग्रेस भी। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, 2024 में 72.17% 72% से ज्यादा, 2019 में आंकड़ा 71% था। और जब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़िया वोटर को बाहर लाने की जरूरत नहीं होती, बहुत बेहतरीन तरीके से वो निकलता है और ये इस बार नजर भी आ रहा है। और हमने लंबी लंबी कतारें देखी, पैर में चप्पल नहीं थी लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सजगता थी। राजस्थान का आंकड़ा है 2024 में 58.39%, 2019 में 66.34%, 19 में परसेंटेज था, 24 में गिरावट दर्ज की गई। और इसके कई वजह है जिस पर लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्यों ऐसा स्थितियां हुई। हरियाणा में क्या स्थितियां थी, 2024 में 64.8% यहां पर वोट हुआ है। हरियाणा में बड़ी पॉलिटिकल तब्दीलियां भी रही हैं। हरियाणा में 2024 में 64.8% जबकि 2019 में ये वोटिंग परसेंटेज 70.34% था। ये हरियाणा की स्थितियां हैं। दिल्ली की बात करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली, 7 लोकसभा की 7 सीटें, 24 में हुआ 58.69% वोटर्स टर्नआउट दर्ज किया गया, 19 में था थोड़ा सा ज्यादा था 7.61%, 2019 का ये कुल मतदान प्रतिशत था। 24 में गिरावट थी लेकिन गिरावट दर्ज की गई यहाँ पर। यह दिल्ली की स्थितियां जिसको हमने आपको बताया 2024 में क्या, 2019 में क्या। अब जरा जान लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरे साल भर या पिछले जो 5 साल रहे जबरदस्त, वहां पर ऐसा लग रहा था कि रेस 3 रेस 4 देखी जा रही है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए 2024 62.45%, 2019 61.02%, और बहुत मामूली सा इजाफा महाराष्ट्र के वोटिंग परसेंटेज में है। ये महाराष्ट्र की स्थितियां 2024 में क्या, 2019 में क्या स्थितियां यहां पर थी। और बीजेपी का गढ़ गुजरात, यहां गुजरात की बात करते हैं 60.13% 2024 का वोटर्स टर्नआउट, 2019 में था 64.51%। क्लीन स्वीप बीजेपी यहां पर करती आ रही है पिछले दो चुनाव के मुकाबले, पिछले दो चुनावों से लगातार। और यहां पर अब आंध्र प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है, आंध्र प्रदेश का आंकड़ा इस वजह से भी देख लीजिए। अगर आप ये दावा किया जाए कि साउथ में कोई मैजिक जैसी चीज होने वाली है, आप आंध्र प्रदेश से ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश 2024 में 80% से ज्यादा वोटिंग, 80.86 है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में 81 पे पहुंचा सकते हैं। 2019 में 80.38% वोटिंग यहां पर हुई थी, आंध्र प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज की स्थिति। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में देखिए 2024 में वोटर्स टर्नआउट रहा 69.72%, 2019 में था 72.46%, ये कुल मतदान प्रतिशत रहा। 2024 में तमिलनाडु में भी वोटर्स टर्नआउट में गिरावट देखने को मिली। तेलंगाना जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर हुए हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, अब तेलंगाना की बात कर ली जाए 2024 में 65.67% मतदाता बाहर निकला वोट कास्ट किया, 2019 में 62.77% मतदाता बाहर निकले थे। वोटिंग परसेंटेज में जाहिर तौर पर इजाफा,
तेलंगाना को आप ललित तेलंगाना सरकार कांग्रेस की है, तो यहाँ पर देखा गया कि वोटर टर्नआउट में इजाफा देखने को मिला। कर्नाटक की बात करते हैं, बीजेपी को कर्नाटक से ढेर उम्मीद है। कर्नाटक में 70.71% 2024 का ये आंकड़ा और 19 में हुआ था 68.81% 2019 में कम था, 24 में ज्यादा मतदाता बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल की स्थितियां फटाफट जान लीजिए। 2024 में 71.27% वोटिंग, 2019 में 77.84% मतदाता यहां पर बाहर निकला था। एक बड़ी गिरावट 19 और 24 में आप यहां पर महसूस कर सकते हैं केरल की अगर बात कर ली जाए तो ये आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा 19 और 24 का। ये इस वजह से भी, हालांकि इस बार आंकड़े जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, अपडेट उनमें ज्यादा हो रहा है और तेजी से जो आंकड़े हैं उनमें आंकड़ों को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। केरल की स्थितियां ये आपने देख ली किस तरीके से केरल की स्थितियां हैं। और हमारे साथ खास मेहमान का जो जुड़ना का सिलसिला भी है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है मिलन भार्गव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान, आलोक वस्त भी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी से उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मी वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले मिलन भार्गव जी, क्या चल रहा है अभी मन में? आपके और समस्त देश के नागरिकों के मन में चल रहा है, एक उत्साह उमंग है और इस लोकतंत्र के महापर्व में जिस प्रकार से चुनाव का आखिरी चरण है और मतदाताओं ने जागरूकता के आधार पर अपना मत देकर नई सरकार को चुनने की दिशा में कदम बढ़ाया है और हम पूर्णतः आशान्वित है। भारतीय जनता पार्टी फिर बहुमत के साथ प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वापसी करने जा रही है और जो सपना इस देशवासियों ने देखा है कि भविष्य में भारत जो है वो किस प्रकार से नेतृत्व करेगा उसकी बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देने जा रहे हैं, तो ये जनमानस बन चुका है। और जनमानस के जो एग्जिट पोल सभी टीवी चैनल्स और आपके टीवी चैनल्स ने जिस मेहनत के वैज्ञानिक तरीके से जो करने का प्रयास किया है वो आएंगे, उसका हमारा सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एग्जिट पोल है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ढांचा है और जो कार्यकर्ता आधारित दल है और अपने कार्यकर्ता के सर्वे पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जो कह रहा है कि हम अपने लक्ष्य को पाकर उस लक्ष्य के इतर जाकर हम अपनी जीत को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये प्रचंड जीत आने वाले समय में जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं उनका शोध का विषय होगा, अनुसंधान का विषय होगा। जाहिर तौर पर अनुसंधान के विषय की बात आपने की है, थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। विलक्षण सक्सेना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विलक्षण सक्सेना साहब, जो जितना पूरी कैंपेनिंग हुई और अब हम एग्जिट पोल के फेज में आ चुके हैं और 4 तारीख को ये जनादेश सबके सामने आ जाएगा, इन सबके बीच आपके एनालिसिस किस तरह के हुए इन पूरे घटनाक्रम को लेकर सक्सेना साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव एक बात से तो तथ्यात्मक हो जाते हैं कि इसको पानीपत के तीसरे युद्ध की तरह माना जाए कि परिणाम चाहे कुछ भी हो भारत की राजनीतिक इतिहास अब बदलने वाला है और हो सकता है आगे जाकर इसे बेहतर ही बनाया जाएगा, मेरी उम्मीद हमेशा उसी के साथ जुड़ती है। सी, जब हम इस इलेक्शन को देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि 2019 में रूलिंग पार्टी का नैरेटिव क्या था, ऑपोजिशन की स्टैंडिंग क्या थी। यहाँ पर जब हम 2024 को ध्यान से देखते हैं तो बीजेपी ने एजेंडाज को फोकस करने के साथ साथ क्षेत्र वाइज ज़्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी। जो नरेंद्र, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिशन दक्षिण एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है इस इलेक्शन के कैंपेन का और ये एक अच्छी खासी स्टडी भी रहेगी। हमने ये देखा कि पिछली बार जब यही मिशन दक्षिण को शुरू किया गया था तो केरला एक बड़ा फोकस स्टेट था और जो बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी थी कि हम उसे एज एन रिलीजन बेसिस पे एक बार करने की कोशिश करेंगे, जब सबरीमाला का मैटर बहुत उछला था तो उनको इवेंचुअली रिस्पॉन्सेज जो स्टेट से मिले थे वो काफी पॉजिटिव नहीं थे। वही बनस्पत हमने उसी के बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर को आगे बढ़ते हुए देखा जिसका नाम है अन्नामलाई, माई लैंड माई पीपल की उनकी यात्रा और उनका जो हिंदी पट्टियों के राज्य में बीजेपी का एक नोशन चलता है उससे टोटली विपरीत रहते हुए तमिल खाजम जो एक तमिल स्टेट तमिल होम को अपने अंदर इंक्लूड करते हुए बीजेपी के कोर कैंपेन से जोड़ने की जो कोशिश करी गई है
वो एक अन्नामलाई ने एक अच्छी पहल करी है और यही रीजन बनेंगे कि मोदी जी अगर चाहेंगे और भाजपा चाहेगी कि 400 पार का नारा सक्सेस हो तो ये स्टेट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं हिंदी पट्टी के राज्य, इनमें क्या स्टैंडिंग रही है? सी अगर हम बात स्टार्ट करें मध्य प्रदेश से बनेगी तीसरी सरकार, विलक्षण लौटेंगे आपके पास, बिलाल खान साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिलाल, अब थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को सुना, डिबेट में शामिल होंगे प्रवक्ता, यानी कि अब तो अगले ही आधे घंटे के अंदर देख पाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठेंगे हमारे साथ। लेकिन क्या सोचकर फैसला बदला गया होगा, क्योंकि इसी बात को लेकर तो हमलावर होते हैं ना बीजेपी वाले कि भाई आप आज फैसला लेते हैं, रात में आपका कोई साथी बदल देता है या फिर आप सुबह उठकर आप खुद ही बदल जाते हैं। बिलाल आप सुन पाए मुझे? बिलाल साहब आप तक आवाज मेरा ख्याल है पहुंच नहीं पा रही है। अब आ गई आपकी आवाज, प्लीज मुझे आप रिपीट करिए। कंटिन्यू। जी जी, देखिए एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। अभी मुझे अभी वॉइस आई, उनकी आवाज अब हमें नहीं आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, जी जी आ रही है, आ रही है। देखिए आज का जो ये इलेक्शन है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं और मछली की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, मुजरे की बात कर रहे हैं, पूरा देश आज समझ चुका किस हाल पे आज बीजेपी जा चुकी है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग 2019 में क्लीन स्वीप करने का काम किया था, वहाँ वहाँ इनको आज डेंट पहुँचेगा। क्योंकि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार नहीं मिले, 15 लाख की बात की वो उनके अकाउंट में नहीं आए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की वो नहीं की, महिला सुरक्षा की बात की वो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? इनके जो लोग हैं, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुलदीप सिंह सहगल को उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं, जो पूरे परिवार का बलात्कार करने के बाद भी आज वो खुले घूम रहे थे, उसके बाद लेट में उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो असल मुद्दों की बात कर रहा है वो लीडर राहुल गांधी जी, जो जिन्होंने कहा महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने की बात की, युवाओं को बेरोजगार, जो रुवा उनको युवा को रोजगार देने की बात की, जो लगातार देश के अंदर घूम के, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसान हो और दलित हो, हर किसी से मुलाकात करके उससे उसके दिल की बात जान रहे हैं कि क्या परेशानी आ रही है। देश के प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से मिलने का काम कर रहे हैं। बिलाल खान साहब जी, राहुल गांधी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के रोजगार ढूंढते ढूंढते तो कांग्रेस ही खप रहे हैं। हर साल उन्हें रिबूट रिलॉन्च करने के लिए ही पूरी तैयारी की जाती है। देखिए आज के जो राहुल गांधी है ना, वो देश की जनता के दिलों में उतरने का काम किया है। जो यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की, फिर उसके बाद न्याय यात्रा की, आज लोग उनको समझ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके वीडियोस को वायरल की जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार वायरल हो रही है उनकी बात, जो जो उन्होंने कहा था वो हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इधर उधर घुमाने की बात कर रहे हैं, छुट्टियों की बात कर रहे हैं कि संडे की हॉलीडे क्रिश्चियन मना देते। अरे जो युवा बेरोजगार है वो संडे में भी है, मंडे में भी है, ट्यूजडे में है, जो महंगाई है वो मंडे ट्यूजडे वेनसडे, इनों की घुमाने की बात मत करिए, मुद्दों की बात करिए ना। आपने जो वादे किए थे 2019 में, एक वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता आज जो है समझ चुकी है कि ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को ना सरकार, आप देख लेना 4 जून के जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल शॉकिंग नतीजे होंगे। हम सब ने मिलकर लड़ाई ली है, जो आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देते हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, और लेकिन जो जिनको कहते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, वो उनको क्लीन हो जाता है। यही तो इनकी कतनी करनी में वो है, जो देश के प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाने वाले लोग हैं उनको अपनी पार्टी में लेके एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि कोई भी आ जाओ, नीतीश कुमार के लिए कसमें खाई जाती थी इनको साथ में नहीं लेंगे, लेकिन बिहार के अंदर उनको साथ लिया गया और 20-25 पार्टी साथी है। छोड़ दीजिए, नीतीश बाबू आपके भी पुराने साथी आएंगे आपके पास। आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास भी चलते हैं। आलोक जी, पूरा चुनाव कैंपेनिंग, अब हम एग्जिट पोल के फेज में आ गए और 4 तारीख को नतीजे भी, इन सब के बीच एक रिकैप हो जाए इस पूरे चुनाव का। जी देखिए, ये चुनाव में बहुत बड़ा डिफरेंस था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी सरकार बनाने के लिए, और इंडी गठबंधन लड़ रही थी अपनी मान्यता बचाने के लिए। हाँ। एक साख बचाने के लिए लड़ रही थी, एक सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी। ये पहले दिन से ये परसेप्शन था, क्योंकि देखिए इन लोगों का अगर एक जुटता होती तो एक बेसिक
रूल होता है कि अगर आप साझा लड़ते हैं तो एक साझा मैनिफेस्टो भी देश के सामने पेश करते हैं। वो तो पहले दिन से इन्होंने सात दलों ने सात तरीके का मैनिफेस्टो दे दिया देश को। हाँ। तो देश के लोग गुमराह हो गए, देश के लोग अचंभित हो गए कि अगर ये गठबंधन आ गया कहीं गलती से सरकार बनाने में हम लोगों के आशीर्वाद से, तो इनमें से किसका मैनिफेस्टो लागू होगा जी? और क्या ये सारे लोग सिर्फ टवल करेंगे अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना मनवाने के लिए? 77 का जनता पार्टी का एक्सपीरियंस बड़े बुजुर्गों को याद है, हम जैसों को भी याद है, हम नौजवान थे उस समय। तो ये देश उसके विकल्प में एक संकल्प पत्र के साथ एक पार्टी खड़ी थी जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो लोगों ने मन बना लिया कि इस सब पे नहीं जाना है, एक स्थिर सरकार, मजबूत हाँ। सरकार, एक सरकार जिसने परफॉर्म किया है। अभी कह रहे थे बिलाल भाई कि क्या किया है, अगर कांग्रेस ने 45 करोड़ लोगों का अकाउंट खुलवा दिया होता तो मोदी जी को खुलवाने की जरूरत नहीं होती। अगर उन्होंने जी गांव की महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करा दिया होता तो 11.5 करोड़ शौचालय बनाने की मोदी जी को क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा गांधी इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ तो अगर गरीबों को सारे मकान पक्के दे दिए होते तो सड़क बनाने की नौबत ना आ पाती। गड्ढे भरने का भी काम किया है, सड़क बनाने का काम भी किया है, जो बीजेपी का दावा रहा है। अब लक्ष्मी वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नतीजे अप्रत्याशित आए, बीजेपी वाले भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये कहा गया कि जहां फाइट देखने को नहीं मिल रही थी वहां भी फाइट देखने को मिली है, इसकी वजह क्या रही और आप कितनी उम्मीदें कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्कोर कार्ड को लेकर? जो इस देश के लिए किया अकाउंट्स साथ में छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में भी मैं कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ प्रदेश के रूप में शुरू से था, लेकिन जैसे ही यहाँ 2003 के बाद से भाजपा की सरकार आई तो बहुत सारे काम जो भाजपा की सरकार ने किया और उसके बाद जो यहाँ 5 साल पिछला कांग्रेस की सरकार रही और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ ने जो एक पृष्ठभूमि बनाया उसमें आप देखते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में इस देश में उनका जो फेस है वो आया। और छत्तीसगढ़ में भले भोली भाली जनता है लेकिन जनता जानती है कि उन्हें समय में क्या निर्णय लेना है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये मैं कहूं कि विश्व में जिस तरह से लोकतंत्र में चुनाव पूरे भारत में होता है और खासकर छत्तीसगढ़ में भी जो कहना चाहिए वोटर्स है यहाँ पे वो बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए हिस्सा लेते हैं। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं उनके पक्ष। चलिए चलिए लक्ष्मी जी आएंगे आपके पास, अभी बहुत सारे जो बहुत सारा वक्त अभी बाकी है उसे लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। सवालों के सिलसिले तो अभी अभी शुरू हुए हैं, अभी तो सिलसिले शुरू हुए बिल्कुल और ये लंबा चलेगा सिलसिला। लेकिन उससे पहले किसने प्रचार में कितना दम दिखाया, कितनी दौड़ भाग की, कितने किलोमीटर नाप दिए, जरा उनका भी जिक्र कर लेते हैं। और सबसे पहले बात लेट हो जाए भारत के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की। तो लगातार उनकी रैलियों की संख्या हम आपको बता रहे हैं, रोड शो उन्होंने कितने किए हैं, कितना पसीना उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान बहाया है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 रैली और रोड शो किए हैं। 24 कारण दिग्गजों का दम, किसने कितना दम लगाया, रैलियों और रोड शो की बात कर ली जाए। 206 रैलियों और रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे स्टार कैंपेनर का भी दौड़ भाग देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह रैलियां की हैं 188, रैलियां और रोड शो मिलाकर 188 कार्यक्रमों में इन्होंने हिस्सा लिया, जहां कमल का फूल खिलाने की अपील अमित शाह की ओर से की गई। तो लगातार ये दोनों स्टार कैंपेनर और सबसे ज्यादा इनकी डिमांड्स होती है, जो प्रदेश संगठन डिमांड भेजते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री और अमित शाह की। और उसके बाद जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, 24 कारण दिग्गजों का दम, 87 रैलियां रोड शो जेपी नड्डा ने की हैं, यानी जो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कमल खिलाने के लिए लगातार जो उन्होंने कोशिश की है। अब कांग्रेस के खेमे की बात कर लीजिए। हाथ का साथ देने के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी 107 रैलियां रोड शो की, न्याय यात्रा की बात अलग, लेकिन यहां पर 107 जगह पर रैली रोड शो मिलाकर किया है। और अब कांग्रेस के दूसरे स्टार कैंपेनर का जिक्र कर लेते हैं, भाई का बखूबी साथ निभाती आई प्रियंका गांधी।
इन्होंने 108 रैलियां, कुल अगर रैली और रोड शो की बात कर ली जाए 108 रैली और रोड शो इन्होंने किए हैं। बात मल्लिकार्जुन खड़गे की भी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 100 प्लस में इनकी रैलियां और रोड शो और संबोधन रहा है 100 प्लस। जी हाँ, 100 से ज्यादा का ये आंकड़ा, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में भी लगातार पार्टी के नेताओं को एक साथ रखते हुए, नीतियां बनाते हुए, इंप्लीमेंट कराने में जोर देते हुए यहां पर काफी सक्रिय दिखाई दिए हैं। लगातार कई बार ऐसा भी हुआ कि जब राहुल बीमार हो गए तो उनके हिस्से की भी रैली मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी आई। ये बड़ा चेहरा है राजनीति का, उनको गहरा तजुर्बा है और वो उनको जब वो इस्तेमाल करते हैं उस तजुर्बे का, वो भी आपको नजर आएगा। और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस समय की जो आ रही है, ये बता रहे हैं आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है नड्डा ने, भारत के चुनाव रिसर्च का विषय है, ये कहना है जेपी नड्डा का। इलेक्शन कमीशन ने बारीकियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराया है, जनता को धन्यवाद, इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया है जेपी नड्डा ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत का जो चुनाव है ना, उसमें तो रिसर्च होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बारीकियों का ध्यान रखकर ये चुनाव पूरा करवाया, जनता को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। सुनवाते हैं आपको। तो के पर्व को बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ताकत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से साधुवाद भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और सच में यह दुनिया के लिए देखने वाला विषय है कि किस तरीके से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराता है और किस बारीकियों को ध्यान में लेकर के कराता है। यह सच में एक रिसर्च का विषय भी है, शोध का विषय भी है। आपने सुना उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल लगातार जो है प्रतिक्रियाएं वो हैं सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जनता को धन्यवाद दिया गया, इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया गया, वोटिंग जो है बस खत्म होने को है और इसी के साथ आज 1 तारीख का जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएगा सबको इंतज़ार होगा 4 तारीख का जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 एग्जिट पोल आपको दिखाने वाला है और बताने वाला है कि जनता की राय क्या है, अनुमान क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान क्या है, उन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत की। हमारा सैंपल साइज़ की अगर बात की जाए तो वो 95,000 से ज़्यादा का रहा, लेकिन इस वक्त टैली आप देख लीजिए, ये टैली आप नज़र डाल लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2019 की मेरे सामने टैली आप जो देख पा रहे हैं ये 2019 की तस्वीर है, तस्वीर समझ लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव का रण जो हुआ था उसमें क्या तस्वीर थी। तो 353 ये आप जो देख रहे हैं, इतना बड़ा आंकड़ा जो है, इसके बाद अब 400 पार की बात की जा रही है 2024 में, 353 का ये आंकड़ा जो देख रहे हैं ये एनडीए के साथ था, जबकि यूपीए आप जो देख पा रहे हैं वो केवल 91 और यूपीए जो उस तरफ आप देख पा रहे हैं 91, ये जो है अब इंडिया हो चुका है। 2014 की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, 2014 की तस्वीर क्या थी, ये तो 2019 की पिछले बार की तस्वीर, 2014 की तस्वीर क्या थी देखिए, 2014 की तस्वीर हमने आपको मैजिक वॉल से भी दिखाई थी और एनडीए और यूपीए के नतीजे 2014 के देख लीजिए, यानी कितनी बड़ी बढ़त उस वक्त बीजेपी को और कितना बड़ा झटका उस वक्त कांग्रेस को मिला था या यूपीए को मिला था, इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। 336 एक तरफ और दूसरी तरफ 60 यूपीए और फिर अन्य जो है वो 147। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आप समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश क्या कुछ कह रहा है, मध्य प्रदेश क्या कुछ संदेश देकर गया बीते सालों में, बीते पिछले चुनाव में और उसके पहले के चुनाव में, तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल तस्वीर साफ थी, क्लियर कट तस्वीर थी, बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, अन्य के लिए कोई जगह मध्य प्रदेश में है भी नहीं। मध्य प्रदेश में 2 दलीय प्रणाली कह सकते हैं या 2 दल मुख्य रूप से रहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, 1 सीट आपको मालूम है छिंदवाड़ा, बड़ा जोर लगाया गया इस बार भी बीजेपी की तरफ से। लेकिन 2014 की तस्वीर मध्य प्रदेश की जाना जरूरी है क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। 2014 की तस्वीर में यूपीए या कांग्रेस जो जिसे कहा जाएगा
दो सीटें कौन कौन सी, एक छिंदवाड़ा जो पारंपरिक सीट कही जाती है, कमलनाथ की सीट कही जाती है, दूसरी गुना सीट जो है 2019 में कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चली गई थी, और उसके बाद कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे। बीजेपी की 27 सीटें, इस बार भी क्या वही रिपीट होने वाला है, तस्वीर क्या होने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ जो है वो बीजेपी ने बनाया था। बीजेपी कहती है 2019 की तस्वीर जरा देख लीजिए, 2019 की तस्वीर, बीजेपी 9 सीटों पर जबकि कांग्रेस केवल 2 सीटों पर रह गई। कौन कौन सी सीटें आपको मालूम है, ये 2019 की तस्वीर जरा देख लीजिए, बस्तर की एक सीट थी और दूसरी सीट थी कोरबा की। लेकिन 2014 की तस्वीर क्या थी, 2014 की तस्वीर बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्योंकि 2014 में अगर बात की जाए तो 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि एक सीट, और एक सीट कौन सी, वो भी दुर्ग की सीट जिस पर ताम्रध्वज साहू जीते थे, और ताम्रध्वज साहू एक बार फिर से मैदान में, लेकिन इस सीट से मैदान में नहीं है, महासमुंद से उनको पार्टी ने इस बार टिकट दे दिया है। लेकिन पिछली दो चुनाव की तस्वीरें आपको हमने दिखा दी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डेटा आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ की 2014 में तस्वीर क्या थी, परिस्थिति क्या थी, वहां पर क्या आंकड़े थे ये आपको बता दिए, 2019 में क्या आंकड़े थे बता दिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर, दोनों बार में अगर देखा जाए तो बीजेपी की मजबूती साफ तौर पर जो है वो नजर आई है। और हमारे साथ खास मेहमान जो है वो लगातार बने हुए हैं, उनसे चर्चा लगातार हम करते रहेंगे, और हमारे दो खास सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू ललित एंड अपर्णा। पुनीत, चर्चा भी हम कर रहे हैं, और पुनीत ने आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये वर्गीकरण तो आपको समझाया कि स्टेट में क्या असर था। 2019-2014 की हिस्ट्री उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दी, और अब 2024 में आपने क्या आदेश सुना दिया है उसकी झलक हम आज दिखाएंगे, और 4 तारीख को तो आपका जनादेश सबके सामने ही होगा। जी विलक्षण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुद्दों की बात अगर करें तो एक रैलिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश गई थ्रू आउट द इलेक्शन कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर लहर दिखाई दे, लेकिन 400 पार के साथ शुरू हुई बीजेपी के दावे में अगली बार अलग अलग तरह के बयान सामने आ गए, लेकिन एक ऐसा मुद्दा क्या आपको लगा जो शुरुआत से लेकर आखिर तक लगा हो कि जनता के बीच में उस मुद्दे को लेकर पैठ बनाने की कोशिश की गई है, या वोट की अपील की कोशिश की गई, या जनता उस एक मुद्दे पर इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी? एक्चुअली ये जो 400 का नारा है, यही अपने आप में एक पूरे इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और ये वोटर्स के साथ साथ कनेक्ट भी करता रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इसको दो लेंसेस से देखा जाए, भाजपा अगर बीजेपी की तरफ से इस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ये चुनावों में, और खासकर जो एक विधानसभाओं के सेमीफाइनल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन के बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं और कोर वोटर्स हैं उनके अंदर एक जबरदस्त लहर जोड़ने का काम किया गया। इसका मेन मोटिव यही था कि इसको किसी तरह से 400 पार का जो नारा है वो बीजेपी के आगे आने वाली लेंथ को, और आगे जो बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए लोग दूसरी पार्टी के या अदर वोटर से ललायत हैं उनको जोड़ा जाए। बट ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसको विपक्ष ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट किया। सी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक पढ़े लिखे मतलब सेक्शन में एक लोग हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस से या लॉ से रिलेटेड रखते हैं, उनको ये चीज पता थी कि आने वाले समय में परिसीमन आने वाला है, और 400 एक स्पेशल मेजॉरिटी का नंबर क्रिएट करता है, और यही विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया कि संविधान को बदलने की कोशिश भाजपा इस चुनाव के बाद करने लगी है। तो धीरे धीरे आपने देखा कि विपक्ष का नैरेटिव भी पूरा चेंज होता गया। उन्होंने ये कोशिश करी एस्टैब्लिश करने की कि अगर बीजेपी इतनी जबरदस्त जीत रहती है तो साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि अब संविधान चुनाव नहीं होंगे जैसी बातें होने लगी, जो कि टेक्निकली अगर लीगल लेंस से देखें तो पॉसिबल नहीं है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है जो ऐसा पॉसिबली होने भी नहीं दे सकता। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये 400 पार का जो नारा है इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, साथ ही साथ ही इंडिया गठबंधन के जो फॉलिंग अलायंसेस है उनको वापस एक साथ लाने के लिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जिस परिसीमन का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ा और विस्तार से भी हम रोशनी डालते। मैं आपको इस वक्त रोक रहा हूं, अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अभिषेक, आज वही फेज, वही सवाल मैंने सबसे किया है, अब एग्जिट पोल वाला फेज है, अब नतीजों का धीरे धीरे एक प्रेडिक्शन, एक अनुमान लगना शुरू हो रहा है, इन सब के बीच किस तरह से पॉलिटिकल हैपनिंग्स छत्तीसगढ़ में? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, और यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव का जो अभियान था उस दौरान और उसके बाद भी कह दिया था कि सभी 11 सीटें इस बार हम जीत रहे हैं। इसलिए बीजेपी
के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी एक ट्रेनिंग क्लासेस चल रही है। IIM ने इसकी एक ट्रेनिंग क्लासेस यहाँ पर ली हुई है और लगातार दो दिन से ये उनका सेशन चल रहा है कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है सरकार का, किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये उनका एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल है। और एक और हैपनिंग की आप बात करें तो रायपुर शहर में पोस्टर्स लगे हुए हैं बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कि अग्रिम बधाई उनको जीत की। तो इससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस भी दावा कर रही है अलग अलग दावे। हालांकि कांग्रेस के कुछ कोई कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, कुछ 3 सीट, कोई 5 सीट, ऐसे अलग अलग यहाँ पर आंकड़े कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल था कि आपकी फेवरेट सीट कौन सी है इस पूरे 11 सीटों में से, जिस पर आपकी नजर स्पेशली गड़ी हुई है, उस पर मैं आपसे आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रेक के रुकना पड़ रहा है। अभिषेक जी के जो पोस्टर वाली बात है कि बृजमोहन अग्रवाल को के लिए पोस्टर लगा दिए गए, तो मध्य प्रदेश में भी लगाए गए थे पोस्टर अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, क्या हाल हुआ था हम सब जानते हैं। छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं जी।